वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी और हम करने जा रहे हैं एमटीएस का एक छोटू मोटू सा मॉक, जिसमें कि सवालात तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन मॉक तो छोटू मोटू सा है, लेकिन भाई साहब जीएस का मॉक वैसे भी होता ही कितना बड़ा है तो बट द क्वेश्चंस जो हम करने जा रहे हैं वो बड़े सही सही हैं यार, और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको जरूरत सबसे पहले तो क्या पड़ेगी, सबसे पहली आवश्यकता ये पड़ेगी कि भाई आप एक कॉपी पेन लेकर के पास में बैठ जाएं। पहली चीज़ तो ये, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ना तब फिर आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी कि आप आराम से, आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप कई चीज़ें मैं बताऊंगा उसको नोट करेंगे, और दूसरी बात ये मंडे टू फ्राइडे मेरी स्पेशल क्लास डेली फ्री क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पर, तो आप लोग उसको भी, ये फ्री स्पेशल क्लास है, आप लोग वहाँ पर भी एनरोल कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं डेली प्रैक्टिस क्लास कराता हूँ, काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस क्लास होती है यार वो, इसका पासवर्ड है LAB लैब, उस प्रैक्टिस क्लास का पासवर्ड है LAB लैब। आओ देखो भाई यहाँ पर आते हैं, सबसे पहली सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ भाई, ये बताइएगा कितनी महिला मेंबर्स थी संविधान सभा में, कितनी महिला सदस्य थी, आपको इसके बारे में मुझे जवाब देना है कि कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर, आंसर क्या आ जाएगा भाई। देखो वुमेन मेंबर्स कितनी थी यार, ये टोटल मेंबर्स कितने थे, 15 थी वुमेन मेंबर्स टोटल, अगर बात करी जाए तो टोटल 389 मेंबर्स थी, जिसमें से पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान कितनी महिलाएं चली, कितने लोग चले गए थे, 90 लोग पाकिस्तान चले गए थे, 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो भारत में, इंडिया में कितने मेंबर्स थे, इंडिया के ऐसे कितने लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे, 389 में से 90 को हटा दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा 299, इतने लोग जो थे ये मेंबर बनाए गए थे। एकदम बढ़िया से आ गई ये बातें, अच्छा है आगे आओ भाई। इनमें से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नगर पालिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, मतलब कि नगर पालिका से संबंधित बात करता है कि भाई एक नगर पालिका होनी चाहिए, ये बात कौन करता है, आंसर जल्दी से, सारे आंसर्स कंफ्यूजिंग हैं और ये बता दूं कि ये सभी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं, आंसर क्या आ जाएगा मेरा भाई, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा पार्ट 9A, यानी ये होता है भाई नगर पालिका का, ये होता है मेरा नगर पालिका का। फिर 9B की अगर बात करूं तो ये होता है किसका भाई, ये होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ध्यान रखना जो सहकारिता समिति बनाई जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो सहकारिता समितियां बनाई जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, पार्ट 9B आ जाता है यहाँ पर। फिर मैं बात करूँगा इसके बाद कौन सी चीज़ आती है यार, इसके बाद बात आती है पार्ट 14A क्या है भाई, ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स का मतलब समझते हो क्या होता है, ट्राइब्यूनल मतलब फास्टर जजमेंट के लिए एक तरह के केसेस को एक पर्टिकुलर अदालत को सौंप देते हैं और उस अदालत को बोलते हैं ट्राइब्यूनल। फॉर एग्जांपल जितने भी कॉरपोरेट केसेस हैं, है ना, जितने भी कॉरपोरेट केसेस हैं उनको हमने, उनके लिए क्या किया, नियुक्त किया हुआ है एनक्लैट, नियुक्त किया हुआ है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज गवर्न करते हैं यार उनमें अगर कोई भी केस वेस कोई भी चल रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर विशेष अदालत बना दी, तो ये भी उसको भी क्या बोलेंगे ट्राइब्यूनल। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी अगर मान लो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्षति हो रही है और एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई केस है तो वो कहां डील होगा, वो सीधा सीधा जाकर के NGT में डील हो जाएगा, ये कहलाते हैं दोस्त ट्राइब्यूनल्स। एकदम कहानी बढ़िया क्लियर है ये वाली, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, चलो वेरी गुड यार, और आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, नाउ व्हाट टू डू इज अगली कहानी देखो, ये सब हो गया, 4A हो गया, हाँ ठीक है चलो 14A हो गया। अब बताओ 4A क्या होता है भाई, 4A होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या होती हैं, इनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, बहुत सही, आगे आ जाओ भाई। यहाँ पर बताओ पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, आंसर मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर दो, कम ऑन क्विकली, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा उनका, द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी मिसेज इंदिरा गांधी। रीजन यार देखो, क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि फुल टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थी, मतलब फुल टाइम कह रहा हूँ, सॉरी
सबसे पहले फुल टाइम के लिए थी निर्मला सीतारमन जी, और सबसे पहले ऐसी मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया वो थी इंदिरा गांधी। मुरारजी देसाई ने रिजाइन किया था, जिनके वजह से इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने अपने पास ले ली थी। भाई एस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर्स एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये कब लागू हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, इन सब जगह पर कब लागू हुआ है? एस्पा के तहत क्या होता है कि आर्म फोर्सेस को ये पावर दी जाती है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई भी पत्थर फेंकता है या कोई मान लीजिए आपकी ओर कुछ गोली चलाता है तो आपको वेट नहीं करने का है किसी भी चीज़ का, आप सीधे उठाइए और उसी की भाषा में उसको जवाब दीजिए। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1971 में असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह पर एस्पा लागू किया गया था। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एस्पा लागू किया गया था 1971 में, 1971 में। नेक्स्ट कहानी के ऊपर हम आते हैं। अगली कहानी आ रही है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी गई थी कब? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज बाय, भाई कब करी थी, किसने करी थी? तो यार फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी गई थी, अजात शत्रु ने ऑर्गेनाइज कराई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। याद करने का तरीका हम बहुत ही एक सिंपल सा आपको एक बढ़िया सा तरीका बता देते हैं याद करने का, कैसे याद रखोगे? बुद्धिस्ट काउंसिल में कन्फ्यूजन होता है ना, देखिएगा आप क्या करेंगे, सबसे पहली हुई राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्रा में, और फिर कश्मीर में। किसने कराई? अजात शत्रु ने। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? काल अशोका ने, अशोका ने, और कनिष्क ने। यानी आप इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा? रिदमिक याद करो, RVPK AKAK, रिदमिक याद कर लीजिए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो जरा बोल के देखो, जरा एक बार रिदमिक बोल के देखो, RVPK AKAK बोल के देखो ऐसा रिदमिक। तो R का मतलब क्या हो गया? राजगृह। V का मतलब वैशाली। P का मतलब पाटलिपुत्रा। और K का मतलब क्या हो गया? कश्मीर। ठीक, नीचे की बात करते हैं, एके एके यहां पर आते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका और कनिष्क, ये हो जाएगी बात सारी। तो यार आपको इससे ना हमेशा याद रहेंगे कि भाई कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल कब क्या कराई गई है। आगे आ जाओ, इनमें से देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसने लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? जल्दी से आंसर बताओगे मुझे भाई, तेजी से आंसर मेरा आएगा क्या? आंसर आ जाएगा विशाख दत्त, आंसर आ जाएगा विशाख दत्त ने लिखी है। और विशाख दत्त ने, देखो लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पर, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है वो क्या है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखी है। आप मुझे मुझे बता सकते हैं भरत मुनि ने क्या लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस? जल्दी से बताओ भरत मुनि ने क्या लिखा हुआ है? भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है भरत मुनि ने? जवाब मेरा क्या आएगा? जवाब आएगा नाट्य शास्त्र, जिसमें से नाट्य शास्त्र ये हो जाएगा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। वत्स्यायन ने क्या किया था भाई? वत्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कामसूत्र, ये लिखी है वत्स्यायन ने। रंगनाथ ने कौन सी लिखी है? रंगनाथ ने रामायण का ट्रांसलेशन किया था तेलुगु में, रामायण भाषा का, तेलुगु कहां की भाषा है? आंध्र प्रदेश। रामायण का ट्रांसलेशन किया था तेलुगु में। गुड, आगे आओ भाई, किसने मुस्लिम लीग नाम प्रपोज किया था? हु प्रपोज द नेम मुस्लिम लीग? बता भाई, इनमें से किस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग नामक जो नाम है ये किसने सबसे पहले प्रपोज किया था कि भाई नाम ये रखा जाए तो बढ़िया है? देखिए मैं बताता हूं भाई, तो मुस्लिम लीग नाम, मुस्लिम लीग के फाउंडर्स कौन थे? नवाब सलीमुल्ला खान, ये ढाका के नवाब थे, और आगा खान, ये फाउंडर्स थे ये दोनों लोग, जिसमें से मुस्लिम लीग नाम रखा था आगा खान ने। और मोहम्मद अली जिन्ना लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन थे मुस्लिम लीग के, सबसे ज़्यादा समय तक जिसने सर्व किया एज अ चेयरमैन वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। और आगे बढ़ रहे हैं भाई, आप लोग भी बताएंगे, आंसर देते रहो यार, आंसर देते रहो तो मज़ा आएगा भाई। कौन से दिन पेरिहीलियन और एपीलियन होता है? पहले मैं ये समझाता हूँ, पेरिहीलियन और एपीलियन होता क्या है यार? पेरिहीलियन, और आज भी क्लास है 8:30 पे, स्पेशल क्लास है, पेरिहीलियन और एपीलियन होता क्या है ये समझिएगा। ये एक शॉर्ट सेशन है आज का, उसके बाद कल से क्या होगा हमारा प्रॉपर फुल लेंथ मॉक चलेगा। तो एक ये इस तरीके से डेली का डेली हमारा 7:50 AM पर हमारा स्टार्ट होगा, और डेली मॉक चलेगा हमारा, तो मॉर्निंग 7:50 या 8 AM, ये मैं टाइमिंग आपको कल शेड्यूल करा के ही बता दूंगा एग्जैक्टली किस टाइम पर हो रहा है। चलिए, तो व्हाट डज पेरिहीलियन एंड एपीलियन? यार देखो पेरी का मतलब होता है, पेरी पी से होता है ना, तो पी का मतलब हो गया यार पास। पेरिहीलियन पी का मतलब हो गया पास, एपीलियन का मतलब हो गया भाई साहब क्या? दूर। तो पेरिहीलियन मतलब हो गया पास, एपीलियन मतलब हो गया दूर। और पेरिहीलियन कब होता है? मतलब जब धरती
सूरज के बहुत पास होती है उसको पेरिहिलियन बोलते हैं. एपिलियन कब बोलते हैं? जब धरती सूरज से बहुत दूर होती है. राइट आंसर हमारे पास 3 जनवरी 4 जुलाई. क्या 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये हो जाएगा पेरिहिलियन और एपिलियन का समय. भाई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे कि एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बारे में बताइएगा जल्दी जल्दी से कि भारत में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है. आंसर्स ऑल राइट. देखो भाई यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड यार होती है 0.04%. सारी गैस बताता हूं, ये होती है नाइट्रोजन, ये होती है ऑक्सीजन, ये होती है आर्गन और ये होती है CO2. 0.04% होती है CO2. ये जरा सारी चीज सारी गैसेस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. कर लिया, चलो नाइस वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया. आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यार नेक्स्ट कहानी पर देख रहे हैं. यहां पर बताएंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, ध्यान रखना लार्जेस्ट अलग होती है, ध्यान रखना यार लार्जेस्ट रिवर अलग होती है लॉन्गेस्ट रिवर अलग होती है, ये दोनों बात ध्यान रखना भाई. हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा है कि आपको लॉन्गेस्ट बतानी है. लॉन्गेस्ट का मतलब जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि सबसे लंबी दूरी तय करती है, ना कि सबसे ज़्यादा आप कहो कि सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करती है. सबसे ज़्यादा पानी वाली को हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट बोलते हैं, समझे. चलो तो आंसर मेरा भाई यहां से क्या आ जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी दोस्त नाइल दुनिया की सेकंड सबसे, सॉरी अमेजॉन दुनिया की सबसे सेकंड सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अमेजॉन दुनिया की सेकंड सबसे लंबी नदी है और अमेजॉन दुनिया की लार्जेस्ट नदी है. ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट भी है. अमेजॉन नदी दुनिया की लार्जेस्ट नदी में से भी एक है. बढ़िया बढ़िया से आया है. चलिए और आगे आते हैं यार, यहां पर आओ भाई. लार्जेस्ट एरिया बताइएगा रशिया के बाद में सबसे ज्यादा एरिया किस कंट्री का है, दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री एरिया के प्रारूप में कौन आ जाती है, दुनिया में सबसे बड़ी एरिया जिसका है यार आ जाएगी कौन सी, रशिया. रशिया के बाद कौन सी आती है यार, रशिया के बाद आता है दोस्त कनाडा. सबसे ऊपर है रशिया, देन वी हैव कनाडा, देन वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स. कनाडा के बाद क्या आ जाएगा, कनाडा के बाद एक मिनट यार, कनाडा कनाडा हो गया ना, हाँ कनाडा के बाद चाइना आएगा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना फिर यूएस, चाइना फिर यूएस, फिर ब्राज़ील और फिर इंडिया. हाँ ये आ जाता है, चाइना हो गया, यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंडिया हो गया. इंडिया सातवें नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर भारत हो गया. तो ये सीक्वेंस है जिसमें कि कंट्रीज का एरिया है, लिख लीजिएगा नोट करिएगा, ये सरफेस एरिया के हिसाब से आपको उनका एरिया लिखा मिला हुआ है यहाँ पर. बढ़िया और आगे बढ़ रहे हैं भाई. इनमें से कौन से स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है यार, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब 2011 में टाइगर पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था ना, यहाँ पर मैक्सिमम टाइगर पाए गए थे. आंसर मेरा क्या आएगा, सबसे ज्यादा टाइगर जहाँ पर पाए जाते हैं भाई, दो में कन्फ्यूजन होगा आपको, MP और कर्नाटक, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, बट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश. यहाँ पर 2 टाइगर ज्यादा थे कर्नाटक से, काउंटिंग में मात्र 2 टाइगर एक्स्ट्रा थे, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं. भाई इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ऐसी गैस जो क्या करे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाए, CO2 को ट्रैप करके बढ़ाए वातावरण का टेम्परेचर. तो CO2 तो है, मीथेन भी है, NO भी है, बट अमोनिया नहीं है. अमोनिया फ्रीली ऐसा अवेलेबल भी नहीं होती स्पेस में, तो अमोनिया इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. और आगे आएंगे भाई, अम्ब्रेला ऑफ एनवायरमेंट किसको बोलते हैं भाई, देखिए 16 सितंबर को एक करंट अफेयर्स का सवाल आ रहा है, 16 सितंबर को एक दिन था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ओजोन डे बोल रहे थे. 16 सितंबर को यह दिन था जिसको हम लोग ओजोन डे बोल रहे थे. इस ओजोन डे पे क्या कहानी थी यार, यहाँ पर इस ओजोन डे पे हम लोग क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ओजोन के बारे में बात कर रहे थे और कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो उसी में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि भाई यही इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लेयर को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑफ एनवायरमेंट भी बोला जाता है. और आगे आएंगे भाई, GST कब से लागू हुआ भारत में, GST लागू होने की तिथि बताइए,
जीएसटी भारत में किस दिन से लागू हो गया था? जीएसटी भारत में लागू हुआ है यार 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017। और ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 101st अमेंडमेंट था, बट 122nd बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में, और अमेंडमेंट का नंबर क्या था? 101वां अमेंडमेंट था, 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2016 में पास हुआ था, 2018 में ये इफेक्ट में आया। ठीक है, चलो जी गाइस, सेशन छोटा रखेंगे कि 8:30 पे मेरा स्पेशल क्लास है, विल बी कैचिंग अप अगेन कल, बट 8:30 पे स्पेशल क्लास है, आप लोग उसमें भी जरूर आए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वो कंप्लीट क्लास होगी अभी स्पेशल।